हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्क्रीन स्पॉट और मैं आपका दोस्त मयंक भद्रा। आप जैसे जानते हैं योग गुरु रामदेव कितने बड़े एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। उनके हर एक प्रोडक्ट हर एक जगह काफ़ी भारी मात्रा में सेल होते हैं। तो योग गुरु रामदेव ने आज अपना नया सिम कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड। BSNL के सहारे उन्होंने सिम कार्ड खोला है। तो इस वीडियो में मैं आपको कहूँगा सारे फीचर क्या क्या आपको मिलेगा, डिटेल, टैरिफ प्लान, और ये क्या ये सिम कार्ड क्या जियो को टक्कर दे पाएगा, क्या एयरटेल को टक्कर दे पाएगा। तो बने रहिए। शुरू करने से पहले नीचे के सब्सक्राइब बटन को दबा देना, राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस कर देना कि इस चैनल से किसी भी अपडेट को आप मिस ना कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड अभी तक तो तीन प्लान लॉन्च हुए हैं। पहला है 144 रुपीज, दूसरा है 792 रुपीज, तीसरा है 1584 रुपीज। इसमें आपको देखने को मिलेगा 100 SMS, अनलिमिटेड कॉल और 4G डेटा और 2 GB पर दिन। काफ़ी अच्छी बात है कि 2 GB आपको हर एक दिन मिलेगा, अच्छी बात है। 144 रुपीज अगर आप लॉन्च मतलब वो वाला प्लान आपने पतंजलि सिम कार्ड में डालेंगे तो आपको 30 डेज के लिए चला सकते हैं। 792 रुपीज़ का आप 180 डेज के लिए चला सकते हैं, मतलब 6 मंथ्स के लिए। और 1584 आप पूरे एक साल के लिए चला सकते हैं। हर दिन 2 GB मिलेगा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स। काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपको मिलेगा और पतंजलि का सिम, अगर आप पतंजलि का सिम एक्टिव करोगे लोगे तो आपको साथ ही साथ मिलेगा प्रोडक्ट में, हर एक पतंजलि के प्रोडक्ट में 10% का डिस्काउंट और 5 लाख तक के का लाइफ इंश्योरेंस और 2.5 लाख तक के मेडिकल इंश्योरेंस। काफ़ी अच्छी बात है कि 5 लाख तक के आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है और 2.5 लाख तक के आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, आजकल देखने को मिलता नहीं है। क्या ये जियो को टक्कर दे पाएगा, मेरे को लगता तो नहीं। अगर 144 रुपीज़ वाला 100 रुपीज़ हो जाए, 1584 वाला अगर 1300 हो जाए, 1200 हो जाए तो पक्का टक्कर दे पाएगा। अगर 792 रुपीज़ वाला 700 या 650 हो गया तो पक्का टक्कर दे देगा जियो को। पर अब तक इसकी स्पीड पता नहीं चली है, अभी तक अवेलेबल नहीं है, पर 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। अगर इसकी स्पीड कम हुई तो एयरटेल को भी शायद टक्कर ना दे पाए। अगर इसकी स्पीड जियो जैसी हुई तो एयरटेल तो गया और BSNL को भी टक्कर दे सकता है। BSNL को भी, पर BSNL का डाटा बहुत स्लो चलता है और जियो को शायद टक्कर दे देगा अगर जियो जैसा स्पीड रहा इसका कॉलिंग रेंज रहा। पर जियो का कॉलिंग थोड़ा मतलब उसका नेटवर्क जब हम कॉल करते हैं थोड़ा सा ख़राब है, किसी का कॉल किसी और को चले जाता है, ऐसे ऐसे चले जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कि जियो पतंजलि का क्या क्या टैरिफ है, क्या क्या प्लान्स है। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि ये सिम कार्ड अगर आप लोगे अगर ये लॉन्च हो गया तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।